तो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। बीएमए सेकंड ईयर के जो द्रव्यगुण विज्ञान के जो पेपर सेकंड में जो प्लांट्स हैं उसमें एक आमलकी नामक प्लांट है जिसे हम लोग आंवला और इंग्लिश में इंडियन गुजबेरी के भी नाम से जानते हैं। आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं आमलकी जिसे हम लोग आंवला और इंग्लिश में इंडियन गुजबेरी के भी नाम से जानते हैं, इसका कितना विशिष्ट प्रयोग किया जाता है आज के ज़माने में। आमलकी को हर चीज़ में आप प्रयोग कर सकते हैं, झड़ते बाल, सफ़ेद बाल, और एक नई रिसर्च के अनुसार आप इसे मधुमेह डायबिटीज़ में भी प्रयोग कर सकते हैं। आप जैसा कि जानते हैं आमलकी एक कल्याणकारी रसायन फल है जिसे चरक ने विरेचनोपग में रखा है, सुश्रुत ने व्यवस्थापन में रखा है, और बोटानिकल नेम इंडिका ऑफिशिनेलिस है, पर्याय धाति आंवला है। उसके स्वरूप 25 फीट ऊंचा वृक्ष होता है, उसमें पीले रंग के छोटे छोटे फूल आते हैं गोल चमकते हुए, उन्हीं को आंवला कहते हैं। इसके कर्म त्रिदोषहर, पाचन कर्म, दाह प्रशमन और प्रयोग इसके आगे विस्तृत वर्णन किया गया है। उसकी मात्रा चूर्ण की 3 से 6 ग्राम की मात्रा में प्रयोग किया जाता है, और झड़ते बाल, सफ़ेद बाल, मधुमेह, स्किन संबंधी, नेत्र संबंधी सभी आदि के लिए आंवला एक रसायन फल है। झड़ते बाल आजकल की सबसे बड़ी समस्या है, झड़ते बाल जो कि केमिकली बेस्ड इक्विपमेंट्स लगाने से हो जाते हैं। और झड़ते बाल रोकने के लिए आप आंवले को पेस्ट बना लें, हफ्ते में कम से कम एक बार इस पेस्ट को बारो, उसकी जड़ें तक अच्छी तरह लगाएं। आंवले में प्रचुर मात्रा में फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके बालों को मजबूत और तोड़ने से बचाता है। और अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हों तो आंवला को तुलसी के पत्तों का पेस्ट बना लीजिए और वही बालों की जड़ों तक लगाइए। उसके बाद एक ठंडे और अच्छे पानी से धो लीजिए। मधुमेह के लिए डायबिटीज़ का सबसे अच्छा प्रयोग है, इसमें पॉलीफिनॉल होता है और आंवला में क्रोमियम नामक तत्व तो पाया जाता है जो इंसुलिन हार्मोन को मजबूत कर खून में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। और आपके अगर पथरी स्टोन्स है तो आप आंवले के रस को मूली के रस के साथ 40 दिन तक पीजिए, आपकी पथरी कर सकती है। नेत्रों के लिए तो आप जानते ही हैं कि आंवला एक अचूक रसायन है, और आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है जो कि हमारी त्वचा को सुंदर और आकर्षित बनाता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं जिसकी खूबी आंवला की त्वचा के लिए अच्छा साबित करती है। इसीलिए हम लोगों को नित्य प्रतिदिन आंवले का सेवन करना चाहिए। और आंवला हमेशा से ही एक अच्छा रसायन फल हो है और आगे भी इसका उपयोग बेहतर होता जाएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, और बताइएगा कि आप आंवले का नित्य प्रतिदिन प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।